हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल सा स्टाइलिश सा हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो, और लाइक कर दीजिएगा अभी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे साइड मांग से बता रही हूँ, आपको मिडल पार्टीशन रखनी है तो आप मिडल पार्टीशन भी रख सकते हो। क्राउन एरिया के हेयर को लेना है इस तरीके से। ओके, अच्छे से कॉम कर लेना है। फ्रंट के हेयर को ईयर टू ईयर पार्टीशन करके छोड़ देना है। वैसे ही हल्का सा ट्विस्ट करना है बालों को, आगे की तरफ पुल करना है जिससे कि आपको एक पफ का लुक मिल जाए। तो मैं यहाँ पे टिक टेक क्लिप से इसको सिक्योर कर रही हूँ। आपको जैसे इजी लगे, जो भी क्लिप है आपके पास, आप उससे इसको सिक्योर कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ से साइड के हेयर को इस तरीके से लेंगे और आपस में ट्विस्ट करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो। अच्छे से ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से पूरा। नेक्स्ट लेयर लेंगे और इसके साथ मिक्स कर देंगे और अगेन ट्विस्ट करेंगे। फिर से नेक्स्ट लेयर लेंगे, अगेन ट्विस्ट करेंगे। जहाँ हमने क्लिप लगाया हुआ है पहले, वहाँ तक इसको इसी तरीके से ट्विस्ट करते हुए लेके जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से पूरा ट्विस्ट कर लिया है। अब आपको जो जो लेयर्स आपने ली थी उसको थोड़ा थोड़ा सा खींच लोगे और टाइटली बैक साइड में ले जाके आपको क्लिप से इसको सिक्योर कर देना है। ओके, अब ये जो आपकी स्कैल्प दिख रही है उसको हाइड करने के लिए आपको इस लेयर को ऊपर की तरफ लेके जाओगे और क्लिप को इस तरीके से अंदर की तरफ पॉप में इंसर्ट कर दोगे। बट ध्यान दीजिएगा आपकी जो क्लिप है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए ज़्यादा। ओके, तो एक साइड का तो हमारा बहुत खूबसूरत लग रहा है, स्टाइलिश भी लग रहा है। थोड़ा बहुत दिखे भी तो चलेगा, कोई बात नहीं। अब आपको इस साइड का जो हेयर है उसको बनाना है, उसको भी सिंपली हम इजी वे में बता रही हूँ। बहुत आसानी से आप ये सारे हेयर स्टाइल बना सकते हो। इस तरीके से ऊपर की तरफ ट्विस्ट करना है, नीचे की तरफ करोगे तो आपको क्या होगा, ये जो स्कैल्प है वो दिखने लग जाएगा। तो पहले ही आप हाथ को इस तरीके से ऊपर की तरफ रखो और ट्विस्ट कर करके मिक्स करते जाओ। ओके, थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको मिक्स करते जाओ और थोड़ा थोड़ा खींच लीजिएगा। अभी मैं एक और टिप बताऊँगी जिससे ये वाला जो आपका स्कैल्प है वो भी हाइड हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाते रहो। ओके, इसको भी आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा सा खींच लीजिएगा एंड क्लिप से पीछे को इस तरीके से सेट कर दीजिएगा। अब जब अगर आपका यहाँ पे हेयर कम है और जैसे मेरा अभी दिख रहा है वैसे दिख रहा है, इस तरीके से इसको खींचोगे तो अच्छा सा लुक भी आ जाएगा। उसके बाद आपको एक बॉबी क्लिप या फिर छोटा वाला ये वाला क्लिप लेना है और अंदर की तरफ से इंसर्ट करते हुए इसको इस तरीके से लगा दीजिए। वाह, और इससे आपका स्कैल्प भी हाइड हो जाएगा और जो आपका जो स्टाइलिंग है वो प्रॉपर वे में दिखेगा, जिससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। अब आप चाहो तो बालों को खुला भी रख सकते हो, और अगर आपको आपके बाल बहुत लंबे हैं आपको खुला नहीं रखना है तो आप क्या करोगे, तो खुले भी रख लो
तो थोड़ा सा यहाँ पे शाइनिस इसको लुक देने के लिए इस तरीके से थोड़ा सा हेयर ले लोगे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। पता है क्लिप दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप क्लिप्स को हाइड जरूर कर दीजिए। वैसे दिखे भी तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना है तो आप कर सकते हो। इस तरीके से आप क्लिप के चारों तरफ से इसको इस तरीके से लपेटेंगे और इस तरीके से यूपिन की मदद से इसको सिक्योर कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश दिखेगा और हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसके बाद अगर आपको ऐसे लहंगूटी बनानी स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से सिंपली चोटी बनाते जाओ। नीचे तक पूरा इस तरीके से घूस लेना आपको चोटी को, और काफी लंबे बाल हैं तो ही ये चोटी बनाइएगा, ये लंबे बालों पे ही अच्छी लगेगी। छोटे बाल हैं उसका भी आइडिया बता रही हूँ मैं, लंबे बाल है तो आप इस तरीके से चोटी बना के इसको छोड़ सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। बट अगर छोटे हैं तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको गूंथते जाओ एंड पार्ट तक पूरा। एंड तक गूंथने के बाद इस तरीके से राउंड राउंड कर दो और यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लीजिएगा। ये खूबसूरत सा बन बन के आपका रेडी हो जाएगा। अब इसको आप गजरे से या फिर जो भी डेकोरेटिव पिन है आपके पास उससे आप इसको सजा लीजिएगा, जिससे थोड़ा और अच्छा लुक आ जाए। तो क्योंकि पतले हल्के बाल हैं तो इस तरीके से आप छोड़ोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है। तो इसके साथ आप गजरा अटैच कर लीजिएगा। अपने बालों को हैवी लुक दे दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपके जो आपका जो बन है उसको हैवी लुक भी मिल जाएगा और आपका लुक भी काफी अच्छा आ जाएगा। साड़ी के साथ बहुत बेस्ट लगने वाला हेयर स्टाइल, या फिर आप कोई सा भी ड्रेस पहन रहे हो लहंगा वगैरह तो भी काफी अच्छा लगेगा। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज कम हल्के पतले वालों में या फिर शॉर्ट हेयर में या फिर लंबे वालों में जैसे भी आपके बाल हैं उन पर मैं लेकर आऊँ और आप लोग को बताऊँ और भी अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।